नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन एकेडमी के न्यूज यंग करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज और कल में जो है घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें संकलित करेंगे, जो कि परीक्षा के जो दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है इन महत्वपूर्ण जो है घटनाओं को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण योजना जो बिहार में अभी चलाई गई है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। घर तक फाइबर योजना। अब यहां पर फाइबर योजना का तात्पर्य हो गया घर तक फाइबर योजना। ये बेसिकली सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध जो करवाना है और प्रदेश के जो है सभी महत्वपूर्ण जगहों से, प्रतिष्ठानों से, केंद्रों से जो लोगों को जोड़ना है और आधुनिक तकनीक से जो है उन्हें समर्थित करना है। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना बिहार के द्वारा चलाया गया है। अभी हाल में ही जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का जो है एक योजना बनाया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अभी हाल में ही जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो बनाने की बात जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है बनाया जाएगा। और इसके कारण से जो है ये अभी हाल में जो है चर्चा का विषय रहा है। तो गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भी पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में जो है किस प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो है गुजरात होगा। अगला FSSAI। जब हम कोई खाद्यान्न जो है यूज करते हैं तो उस पर हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि इसके जो है मार्क लगे होते हैं और ये लिखा होता है, इसके क्या तात्पर्य है और ये क्यों जो है अभी हाल में जो है चर्चा में जो है रहा है। इसका पूरा नाम जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह जो है संस्था, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में की गई थी। यानी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में रही है। इसके द्वारा ये जो है घोषणा की गई है, इसमें जो है घोषणा किया है कि भारत 2022 तक औद्योगिक रूप से जो है ट्रांस फैट फ्री देश बन जाएगा। यानी कि इसने जो है 2022 तक जो है ये घोषणा की है कि 2022 तक जो है वो भारत पूरी तरीके से जो है फ्री देश बन जाएगा, औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री देश बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अब इसकी स्थापना भी थोड़ा सा इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 2011 ईस्वी में किया गया। तो चूंकि जो भी संगठन, जो भी प्रगतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप में जो हम उस घटना को अगर जोड़ करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है उस न्यूज़ से संबंधित हम उस ऑर्गेनाइजेशन की जो महत्वपूर्ण बातों को भी समझ लेते हैं, जिससे अगर उससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें स्थापना को लेकर के, विशेषता को लेकर के पूछा जाए तो वो भी जो हल हो जाए। न्यू दिल्ली में जो इसका मुख्यालय है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है 2011 ईस्वी में किया गया। तो 2022 ईस्वी तक ट्रांसफैट फ्री देश जो है बनाने के लिए इसने जो घोषणा किया हुआ है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कब तक घोषणा है, तो 2022 तक इसने किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है अभी हाल में ही जो है 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी की जो घोषणा की गई है, जो कि घाना के शहर अक्रा को घोषित किया गया है। तो अक्रा यानी कि घाना में जो है, और इसे 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। और यह घोषणा जो है वो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका जो पूरा नाम है, यानी कि जो है यह शैक्षिक सांस्कृतिक रूप से जो है सांस्कृतिक वैज्ञानिक जो है एक संगठन है जो इस फील्ड में जो है काम करता है। इसके द्वारा जो है 2023 ईस्वी की विश्व पुस्तक जो राजधानी है वो अक्रा को जो है ये और ये जो है घाना में है, इसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषणा किया गया है। यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सतत विकास समाधान योजना, यूएन जो है सतत विकास समाधान योजना के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, एसडीजी जो प्रोग्रेस अवार्ड ये जो है शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना को प्रदान किया गया है, क्योंकि यूएनओ से संबंधित है। और इस वक्त जो एसडीजी गोल है जिसमें 17 प्रकार की जो है वेरिएबल्स को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से जो है लोगों के जीवन यापन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है, तो उसी के लिए जो है यूएनओ के जो है सतत विकास समाधान जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है वो दिया गया है। तो ये भी जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है बनता है, तो ये भी चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखें। अगर हम वैश्विक व्यापार के संदर्भ में बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो है एक रिपोर्ट आई है, वैश्विक जो है आयात के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, वैश्विक आयात के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की जो है 5.9% की हिस्सेदारी के साथ यह जो है चीन, अमेरिका के बाद जो है वो तीसरे स्थान पर जो है आता है। वैश्विक आयात निर्यात हमेशा से होता रहा है क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी देश है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अतिरेक को यानी कि एक्स्ट्रा चीजों को जो बाहर भेजता है, अपनी आवश्यकता की चीजों को बाहर से मंगाता है, तो इसी क्रम में जो है आयात की अगर लिस्ट देखी जाए तो वह 5.9% के साथ भारत पूरी दुनिया में चाइना अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। तो यह आज और कल में जो है घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने अन्य परंपरागत विषयों का भी बेहतर ढंग से अध्ययन कीजिए क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं अभी भी 80% सवाल परीक्षा के परंपरागत सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और आप करंट के साथ यहां से जुड़े रहिए और इसी के साथ साथ करंट को पढ़ने का एक अप्रोच बेहतर ढंग से विकसित कीजिए ताकि आप स्वयं जो है एक अच्छे जो है तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकें और परीक्षा में जो है एक मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर सकें। तो आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी और करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।